बाबा अब नहीं रहे, ऊपर चले गए हैं, वो हमेशा कहते थे कि शादी होने तक अगर वधु मौन व्रत धारण करे ना तो पूरी जिंदगी नॉन स्टॉप बोलने की उसे ताकत मिलती है, और हम चाहते हैं कि बबल को वो ताकत मिल जाए। सो हमारी ये इच्छा है कि बबल्स भी वो मौन व्रत धारण करे। जी वाह, क्यों बोला तेरा बाबा, वही जो बोला कमाल बोला यार। इस सुखी जीवन के वास्ते मेरी बबल्स शादी तक मौन रखेगी, और शादी तक क्या आगे भी मौन रखेगी। तो फेरों के पहले लेके जाना भी पड़ेगा, जुगाड़ सेट करना पड़ेगा। करते करते कुछ लगाते हैं जुगाड़। यू नो हमारे बाबा और एक बात कहते थे पंडित जी, वो कहते थे कि जब भाइटू की शादी होगी तो उसी वक्त बाबा का जो अस्थि कलश है जो हमने अभी तक संभाल के रखा है, I love that thing, हमारे बाबा की आखिरी निशानी, तो उस अस्थि कलश के सामने अगर हम शांति पाठ करें तो हमें थोड़ा टाइम मिलेगा। बाबा को टाइम मिलेगा आराम से इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। वाह वाह यार, वाह कमाल हो गया यार, आज तेरा बाबा क्या खा के आया यार, इतना मीठा बोल रहा है, जो सामने होता ना तो मैंने उसकी चोंच को चूम लेना था सच में। तुम क्या खा के आए हो अमरीश, बाबा की सारी बातों को अच्छा अच्छा बोल रहे हो, हमेशा तो बाबा को कवा कवा बोलते हो तुम। अरे भाई मॉडर्न जमाना है यार, मॉडर्न में कौवे भी तो मॉडर्न हो गए। क्यों यार? हाँ हाँ कहाँ पाओ जी, वो मटके में पत्थर डाल के पानी का लेवल भी ऊपर उठाने का आइडिया किसका था? किसका? कौवे का था। हट। नाना जी का। नाना जी का। नाना जी का था। नाना जी का था। मेरे ख्याल तो ना एक काम कर सुनीली, तू शांति से अपने बाबा के साथ शांति पाठ कर, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा देता हूँ। ये बबल्स को ले जाके ना मैं कलीरों का शगन पूरा कर लेता हूँ, ठीक है? यस यस यस। आज आजा बबल्स, उठ जा उठ। आ जाओ जी, कलीरों का शगन पूरा करें। आजा। ओए मेरी बहन किन्नी सोहनी लगदी पई है, ओए किसी की नजर ना लगे। थू थू। एकदम चुप। मेरी बहन को नजर ना लगे ना, इस करके एक ना कमाल राम बाण उपाय है मेरे पास। पूरी शादी तक तूने चुप रहना, और पूरी शादी तक तूने किसी को दिखाई भी नहीं देना। ओए मेरा मतलब है कि मेरी बहन को किसी की नजर ना लगे, इस करके पूरे शादी में मेरी बहन घूंघट च रहेगी भाई। अब लगाओ नजर। जल्दी आना है, ठीक है ठीक है। कितनी गर्मी है। ओए गर्मी, मैंने एसी फुल कर देना है, थोड़ी चिंता मत कर, बस तू ये जो था ना तूने घूंघट नहीं हटाना है, अब शकुन हो जाने ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जा इधर, बैठ जा आराम नाल बैठ, आराम नाल बैठ, आज बहुत लंबी रात है, जैसे ही उधर शांति पाठ खत्म हो जाना मैंने तेरे को लेने आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। मौन व्रत, शादी होने तक एक लफ्ज मुंह से ना निकलने पाए, घूंघट ऊपर उठने न पाए, दबान बंद रहे, ठीक है? ता फिर अब शकुन हो जाना, तेरे बंगाली को तकलीफ हो जानी है फिर, ठीक है? बैठ जा। ओए कलीरे, जिस कम वास्ते आया था वो तो रह गया, मैंने होने आना। ओए कलीरे,
ओए वैसे तो काम दे भाई मामे दा है चल ठीक है मैंने आना है तू इधर शांति नाल बह जा ठीक है सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है सब सही जा रहा है चलो आओ चलो एक मिनट पुत्र तेरे को लड़का तो पसंद है ना नहीं पूछना मेरा फर्ज है हाँ जी लड़का तो मुझे उसी दिन भाग गया था जब उसकी मैंने फोटो देखी थी अब वो भी बंगाली और हम भी बंगाली तो और क्या चाहिए बस जी घूंघट नीचे चाहिए पुत्र जी पर एक बात का ध्यान रखे इस शादी की पहली और आखिरी शर्त यह है कि जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक तेरे को मौन व्रत रखना पड़ेगा घूंघट नीचे जुबान बंद मौन व्रत ठीक है ओके ओके आजा 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 ओके रजनी हवन की सामग्री ठीक तुम्हारे लेफ्ट हाथ के नीचे पड़ी है सामग्री उठाओ और अग्नि में डालो जो ठीक तुम्हारे सामने है नाउ ओके शान जब तक मैं ना कहूं ये एक्शन जारी रखना ओके ओके शान ऐसे तो हमारे भाइटों की शादी हो जाएगी शोकू कुछ करो वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं कहाँ रह गई आई डोंट नो मॉम पर शौकता ने उसे बोल दिया था कि पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाए और दुल्हन के कपड़े पहन के तैयार हो जाए प्लीज जाओ चेक करो वरना हमारे भाइटों की शादी हो जाएगी उस पॉपल्स के साथ तारों की दुकान के साथ और हमारी नाक कट जाएगी डोंट वरी मॉम शौकता विल जस्ट गो एंड चेक प्लीज गो अब घी की बारी रजनी राइट हैंड से घी उठाओ और डालो अग्नि में ओके शान हेलो सुरीली मैडम जो दुल्हन आपने अपने भाई के लिए चुनी थी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है आई एम सो सॉरी वो आज नहीं आ पाएगी मैं सुरीली नहीं रजनीकांत बोल रही हूँ वाह